इस मुल्क के तबाही का किस्सा किस किस को सुनाएं? मेरा भारत महान है, लोग यहां बेहाल है। कितनी तेजी से चलती है, देखिए जरा इसकी रफ्तार। कदम कदम पे चले कतार, बंदूक की गोली की बौछार। होगा इसका क्या अंजाम, कौन देगा इसका जवाब? मेरा भारत महान है। ये है मानो MBA फेरीवाला, MBA गोल्ड मेडलिस्ट। भाई, लोगों की हंसी और लोगों के मजाक की वजह से मानव को अपने लारी से इनाम हटाना पड़ा। भाई ईमानदारी से ही सही, पर उधार से ली थी ये। क्या ये लारी मानव की मंजिल तय कर पाएगी? ये है दरियाची रानी लक्ष्मी, जैसा नाम वैसा ही रूप। जोश और होश के तो क्या कहने, बोलने में एकदम मिर्ची। भैया बोलने लगती है तो रुकती ही नहीं। किसी की मजाल नहीं जो लक्ष्मी की ओर आंख उठा के देखे और कुछ बोल दे। मानव की हमदर्द, दिल में मानव के लिए प्यार। क्या यह प्यार इनके जीवन को साकार कर पाएगा? यह है नेहा, मानव की लाडली और प्यारी बहन। यह है मौलाना, जो गांव जिस जमीन पे बसा है वो जमीन इसी मौलाना की जागीर है। ईमानदार, खुददार, माना और नेहा के माता पिता समान। और यह है जय सिंह, गांव का करप्ट नेता और आतंकी भी। तो चलो आपको ले चलते हैं उस गांव में जहां बहती है ईमानदारी और खुददारी की खुशबू। विश्वास तेरा मन में लिए करते रहे प्रार्थना। विश्वास तेरा मन में लिए करते रहे प्रार्थना। कितनी भी राहों में हो मुश्किलें, कितनी भी सब आ गए। शाबाश, सब लोग ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई किया करो। संध्या, तुम कल कुछ पूछ रही थी, पूछो बेटा। मानो भैया, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बल्ब का आविष्कार
मैंने तो नहीं किया, महान वैज्ञानिक थॉमस एल्बा एडिसन ने किया है। और बच्चों जानते हो, उन्होंने जब यह आविष्कार किया उसके पहले उन्होंने पूरे 1000 बार एक्सपेरिमेंट किए थे, उसके बाद वो सफल हुए। मानो भैया मुझे भी कुछ पूछना है। पूछो बेटा। हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो नीचे क्यों गिर जाती है, ऊपर ही क्यों नहीं लटक जाती? अच्छा सवाल पूछा। ये सब होता है बेटा गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से। धरती में एक ऐसी शक्ति होती है जो चीजों को अपनी तरफ खींचती है, और वही शक्ति की वजह से चीजें नीचे चली आती हैं। बच्चे लोग, अब मैं जो तुम लोगों को बात बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनो और उस बात को जिंदगी भर गांठ बांध के याद रखो। अपने वजूद को कभी भी गिरने मत देना, हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना, कभी भी झुकना मत। क्योंकि खुश हो, वो आपके ब्याज के पैसे मैं कुछ दिन बाद जरूर लौटा दूंगा। चिंता ना कर बेटा, तारा पैसा क्या खोटा छे। पर क्या बेटे, जिंदगी में पैसों से बड़ी ईमानदारी होती है जो तुम में नजर आती है, और यही ईमानदारी तुम्हें एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनाएगी। जाओ बेटा जाओ, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें, जाओ। अरे कल्पेश, कुलदीप, तुम लोग तो पूरे बदल गए यार, एकदम साहब हो गए। अरे जिंदगी बदल गई अपन की। मगर कैसे? अरे कुछ नहीं, गुरु मिल गए गुरु। कोई काम नहीं, कोई मेहनत नहीं, सिर्फ रोकड़ा गिनो रोकड़ा। क्यों कुलदीप? हाँ चल अपन के साथ हाथ मिला ले, ऐश करेगा। नहीं, मैं बेमानी की कमाई पर अपनी बुनियाद नहीं खड़ी कर सकता। अरे यार फिर से रामायण चालू कर दी। चल कुलदीप चल। मैं अपना ईमान कभी नहीं बेचूंगा, कभी नहीं। मैं ही गुरु हूं इनका, मेरा नाम जिल्लानी है, और तेरा बहुत नाम सुना है। तेरा ईमान हमें दे दे, तेरी भी लाइफ बना दूंगा। मानो कौन था ये माटी मेला? पता नहीं, कोई जिलानी था। देख मानो, मैं तेरे को पहले बोल के रखती है, इन लोगों के चक्कर में बिल्कुल मत आ। साले सब हरामखोर दिखते साले। और एक काम कर, अभी तू घर पे जा, मैं शाम को तेरे को मिलती है। नेहा? भैया मानव। अरे कुलदीप आओ बैठो। कैसा है? अच्छा हूँ। कितनी कमाई हुई आज? 250 रुपए।
सिर्फ 250 रुपए। 250 रुपए में क्या होने वाला है? चल मेरे साथ, तेरी जिंदगी बदल दूंगा। कुलदीप, जिंदगी बनाने वाला तो वो है, मैं नहीं आऊंगा तेरे साथ। तू नहीं मानेगा। ये लो नेहा, मेरी आज की कमाई सिर्फ 250 रुपए। मेरे MBA के गोल्ड मेडलिस्ट भरे भैया, इतनी सारी कमाई, एक दिन तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी और ऊपर वाला तुम्हारी जरूर सुनेगा। वहां पर ग्राहकों की सुनो, लेकिन पता नहीं कि ये कब सुनेगा। लेकिन भैया। अरे पगली, तू क्यों चिंता करती है? इसी का नाम तो संघर्ष है। जीवन में जो भी संघर्ष करता है वो जरूर एक दिन कामयाब होता है। अरे नेहा, मैंने जो नौकरी की एप्लीकेशन दी थी उसका कोई जवाब आया क्या? नहीं भैया। मेरी इतनी कोशिशों के बावजूद भी मेरी हर कोशिश नाकाम क्यों हो रही है? नेहा, ये जो जमाना है ना, वो रुपए पैसे और घूस का है रे बाबा। फिर भी तू कोशिश करते रे मानो, एक दिन कामयाबी तेरे कदम चूमेगी। और मैं भी तो तेरे साथ ही चेना। मेरा भारत महान है, इसकी एक मिसाल है। जीते हैं कैसे कमाल है, ये एक कठिन सवाल है। क्या इसका जवाब आप देंगे या फिर आप देंगे? आप देंगे? नहीं, हम सब मिलकर देंगे। मेरा भारत महान है। ए मानव, क्या यार ये बेलती रहती है, क्या ये गाड़ी है? हमारी गाड़ी देख, झक्कास। अभी भी मौका है, मान ले, हाथ मिला ले। मेरे दोस्त,
बहुत खुश हूँ मैं अपनी ईमानदारी और खुददारी की कमाई से। नहीं चाहिए मुझे ऐसी कमाई से ऐसी गाड़ी। अपनी मेहनत से कमाई हुई गाड़ी बहुत प्यारी है मुझे। बस रहने दो, बाद में देखो। यार ये ना गाड़ी एकदम कहीं तो देखी है भाग गई है। कितना कमा लेते? 100, 200, 500। तुम जैसे पढ़े लिखे लोग यहीं मर जाओगे। अपनी जिंदगी ठेलवे पे क्यों खराब करता है? मेरी बात मान ले, लाखों करोड़ों कमाएगा। हाथ मिला ले, चल मौका देता हूं। चल चल मिला ले हाथ, चल मिला ले हाथ, चल मिला ले हाथ, लाइफ बन जाएगी तेरी। चल रहने दे, चल। अरे मानो बेटा। बाबा आप अरे आओ बच्चा, कैसा है? मैं ठीक हूँ बाबा। बाबा अचानक? अरे बेटा इधर से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। अरे अरे बच्चा खुश है, ये ले जा, जा तू जा। और बता कैसा चल रहा तेरा काम धंधा? अल्लाह मैं समझ गया, ऊपर वाला तेरा इम्तिहान ले रहा है बच्चा, लेकिन तू एक पढ़ा लिखा समझदार बच्चा है। आज नहीं तो कल अल्लाह तेरे को जरूर कामयाबी देगा। लेकिन मानो एक चीज याद रखना, भूल के भी कोई गलत काम मत करना, नहीं तो तेरा ये बाबा जीते जी मर जाएगा, जीते जी मर जाएगा। बाकी तू खुद समझदार है। नमस्कार मानव बाबूजी। अरे तू तो मानेगा नहीं, पर अपन ने तेरे लिए सिफारिश की है एक बड़े समाज सेवक से।
समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं और तेरे लिए भी करेंगे। ले पकड़, ले तेरी लाइफ बन जाएगी। पकड़, सोच क्या रहा है, ले चलो। मानो ये जिलानी माटी मेला इधर काय के लिए आया था? किसी जयसिंह का कार्ड देकर गया है। काय के लिए? कह रहा था मुझे काम देगा, मेरी जिंदगी बना देगा, लेकिन क्यों पता नहीं। मानो मैं तेरे को बोल के रखती हूं, ये जिलानी विलानी है ना, कुछ काम धंधा तो देगे नहीं, लेकिन तेरे को खाली फोकट का फंसा देंगे। और तू है ना एक नंबर का सादा इंसान है। ये क्या किया तूने? गंवारे गंवार की गंवारी रहेगी। नहीं चाहते तुम लोग कि मैं आगे बढ़ू। मैं मानो मैं नहीं चाहती? हाँ नहीं चाहती तू। मैं तेरी कोई भी नहीं लगती? नहीं लगती, नहीं लगती। अरे मानो बेटा, इतना परेशान क्यों लग रहा है तू? बाबा जिलानी आया था, किसी जयसिंह के बारे में बता रहा था, कहता है मुझे काम देना चाहता है, मेरी सिफारिश की उससे, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो मुझे क्या काम देना चाहता है। अल्लाह बेटा, तू खुद इतना समझदार है, इतना पढ़ा लिखा है, तुझे अच्छा लगता है देख ले, लेकिन बेटा इतना ध्यान रखना, दुनिया बड़ी बेकार है, जो भी करना बहुत सोच समझ के करना, और अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करना। अपना ध्यान रख, जो तेरे को अच्छा लगता है वो तू कर। अल्लाह हाफिज़। मानव मानव मेरा बच्चा, मेरा बच्चा मानव। आजा आजा मेरे शेर, जीत तब तक नहीं होती जब तक कि हम जीत नहीं जाते, और जीत जब तक हासिल नहीं होती जयसिंह अंगारों के साथ खेलता है। मैं जानता था तू मेरी बात जरूर मानेगा, जरूर मानेगा मेरी बात। आजा गले लग जा। मानो जमाना बदल रहा है, सेवा के बदले मेवा मिलना चाहिए, और तुझे मेवा मिलेगा। पहले हम तेरी सेवा करेंगे, औकात से ज्यादा पैसे देंगे हम तुझे, चाहेगा तो गाड़ी भी देंगे। हाँ ए ले आ, ये रख ले बैग में, कुछ और लड़कों की जरूरत पड़ेगी, इस बार दंगा किसी खून खराबे से कम नहीं होगा। दंगा भी हम ही करवाते हैं और दंगा भी हम ही रुकवाते हैं। इस बार इलेक्शन हर हाल में मुझे जीतना चाहिए, जितना पैसा लगे बांटो, खरीदो लौंडों को, लेकिन इस बार का इलेक्शन मुझे जीतना है, हर हाल में जीतना है, हर हाल में। राह हमने जो सोची थी मौला,
चल पड़े हम उसी राह पर मेरे मौला। राह मुश्किलों का हमें कुछ पता ही नहीं, अब तू ही बल हमारा रहबर ओ मौला। बैठे सब तबाह हम कर बैठे, एक गुनाह हम कर बैठे सब तबाह हम कर बैठे। बिना सोचे बिना जाने हम क्या कर बैठे, कर बैठे गुनाह हम 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 कर बैठे। नफरत जो हमारे दिल में है बढ़ी, वो हमसे फिर कहाँ तक ये संभाली जाएगी। नाम था हमारा हम वो गवा बैठे, अपनी जिंदगी में हम अंधेरा कर बैठे। जज छूटे हमसे या अब तो रब रूठे, न सोचा था कि आएगी ऐसी करवटे। बिना सोचे बिना जाने हम क्या कर बैठे, कर बैठे गुनाह हम 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 कर बैठे। मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला। फुजूल लौंडे में जोश है, मान ही गया। मानेगा कैसे नहीं, लेकिन उसके पड़ोस में मौलाना फन फैलाकर बैठा। जय सिंह ने कभी हारना नहीं सीखा है, जय सिंह कभी हार नहीं सकता है। हारी हुई बाजी को जीत में बदलना जय सिंह की फितरत है। मौलाना अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चलो अल्लाह अल्लाह उठा ले बेटा। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। अरे वालेकुम अस्सलाम जय सिंह साहब, क्या बात है, आज इधर कैसे आना हुआ? इलेक्शन में तो बहुत टाइम है। वैसे हमने और हमारे परिवार ने सोचा है कि इस बार हम वोट आपको जरूर देंगे। मौलाना साहब वोट नहीं, तुम्हारी जमीन चाहिए। इंसान की फितरत होती है ज्यादा मांगना और खाना,
मगर तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें पैसे के साथ साथ एक फ्लैट भी देंगे, आराम से बुढ़ापा कटेगा। क्यों जिलाने? सही कह रहे हैं आप। ए बुड्ढे, सीधी तरह जमीन दे दे वरना। शांति शांति जिलाने, गुस्से में तबीयत खराब हो जाती है। कंट्रोल रख, ये बुड्ढा जमीन जरूर देगा। क्यों देगा ना? अल्लाह से डर जयसिंह, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। सठिया गया है बुड्ढा, समझ नहीं रहा किससे बात कर रहा है। जयसिंह से बात कर रहा है तू? जयसिंह से? जयसिंह ने हारना नहीं सीखा, हमेशा जीता है, हार को भी हूट पे बदल दिया है। जयसिंह अपने बारे में, इसके बारे में सोच। देख इसको, मासूम है, पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, एक जमीन के लिए बैठा हुआ है। दफा हो जा यहां से जयसिंह, दफा हो जा। यहां पे ईमान नहीं बिकता, ये बच्चा भी एक ईमान वाले की औलाद है। चल बेटा, यहां पे हमारी जरूरत नहीं है। चल चल। वैसे नहीं मानेगा, वैसे नहीं मानेगा, कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा जिलाने, कुछ कर। मानो आज बच्चों को पढ़ाने स्कूल नहीं जाएगा क्या? जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, खूब पढ़ाऊंगा उन्हें, ताकि दुनिया की हर मुसीबत का सामना वो डट के कर सकें। ये बच्चे तो तेरे सच्चे जीवन साथी है, और मैं? तू पढ़ी लिखी ना सही, लेकिन है समझदार। अगर तुझे भी पढ़ा दिया जाए तो गलत नहीं होगा। जय सिंह मानव की मानवता को खरीदने चला था, लेकिन वो नहीं जानता कि मानव की मानवता चंद रुपयों के लिए नहीं बिक सकती, कभी नहीं। मानव, इस जंग में मैं तेरे साथ है। मानव और मौलाना अपना ईमान न बेचे तो न बेचे, बहुत सारे ऐसे हैं जो अपना ईमान बेचते हैं। पैसा दो और खरीदो, हर हाल में मुझे जीतना है जिलानी, हर हाल में। यही है वो लोग जो अपनी देश की जनता के साथ सिर्फ धोखा करते हैं। इन्हें अपना देश प्यारा नहीं, इन्हें तो सिर्फ अपनी दौलत और कुर्सी प्यारी है। आज अपना देश आतंकवाद से लड़ रहा है, और वो सिपाही अपनी जान कुर्बान कर रहे धरती माँ के लिए, और ये नेता अपनी जेब भरने पे लगे हैं। धिक्कार है इन पे तो। अब की होने वाले चुनाव में सारे वोटरों को खरीद लो, पानी की तरह पैसा बहाओ, पानी की तरह। ये इलेक्शन हमें जीतना है जिलानी, हर हाल में जीतना है। एके बिल्डर वालों का कमीशन आ गया है, और लोगों से पैसा मंगाओ, बहुत पैसा चाहिए, बहुत पैसा। जीवन के मूल्यों, आदर्शों और वीरों की कुर्बानियों को ये लोग भूल चुके हैं, ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं। हमें अपने जमीर को जिंदा रखना होगा, इसके लिए चाहे हमें अपनी जान की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। पैसों में बहुत ताकत होती है जिलानी, ये कुछ भी कर सकता है, दंगा करवा सकता है, गिंडाप करवा सकता है, किसी को फांसी पे चढ़ा सकता है। यहाँ सब कुछ बिकता है, सच्चाई, ईमान, जमीर। खरीद लो, सबको खरीद लो जिलानी, सबको खरीद लो। हर हाल में मुझे जीत चाहिए, हर हाल में। उखाड़ फेंकना होगा इन जहरीले पेड़ों को, जिनकी जड़ें हिंदुस्तान के कोने कोने में फैली हुई हैं, इससे पहले कि ये हमें अपने आगोश में ले लें। इन देश के गद्दारों को
चीर डालेंगे, हम चीर डालेंगे। कौन रोकेगा हमें? ये भोली भाली जनता जो हमला होने के बाद ही जागती है। ये राजनीति है, राजनीति। यहाँ अगर नेता दल नहीं बदलेगा, घोटाले नहीं करेगा, तो राजनेता कैसे कहलाएगा? कामयाबी का घी टेढ़ी उंगली से ही निकलता है। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, यही मौका है। मेरे जरा से चूक से दूसरी पार्टी को फायदा हो सकता है। दंगा सिर्फ 4 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नस नस में बिजली जागी है, हर शोला जागेगा। हमने कसम निभानी है, देनी हर कुर्बानी है। हुजूर, गुलशन नगर अच्छा रहेगा, वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों कौम के लोग रहते हैं। भगत सिंह चौक पर काफी चहल पहल होती है। मैं अपने ट्रक से 7-8 लोगों को कुचल डालूंगा। मौत का नंगा नाच होगा। मौत का नंगा नाच, शाबाश। ऐसे देश के गद्दारों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। इंशाअल्लाह ताला ये होके रहेगा। आमीन। और मौका देख के तू वहां से फरार हो जाना, बाकी के मेरे आदमी वहां पे खड़ी मोटरसाइकिल कार दुकानों में आग लगा देंगे। पुलिस को मैं खबर कर दूंगा, बाकी का काम मीडिया कर देगी। सरहदों पर जाबाज सिपाहियों की कुर्बानी आज के नेता देश के गद्दार भूल गए हैं। अब हमने भी है कसम खाई, इन्हें हम सबक सिखा कर ही दम लेंगे। आसमान में है करोड़ों तारे, कैसे मिलकर रहते हैं सारे। शायद भूल गए हैं ये उन जवानों की कुर्बानियों को, जो अपनी धरती मां के लिए हंसते हंसते मौत को गले लगाता है और कहता है, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। ऐसे में इंसान इंसान से अलग होता है, इंसानियत टूटने लगती है। हमें हर मुकम्मल रास्ता अख्तियार करना होगा। ये मेरा भारत है, ये मेरा भारत है, ये मेरा भारत है, ये हमारा भारत है। हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। मैडम पालन फिल्टर तैयार है। वाह मैडम, इन नौजवानों ने क्या काम किया है, इससे तो हमारे चैनल पब्लिसिटी अच्छी मिलेगी। ओके योगेश, कैन यू प्लीज रोल द कैमरा। बॉर्न फ्री, यस वी ऑल आर बॉर्न फ्री। इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम आर इनबॉर्न एंड इनहेरेंट इन ह्यूमन नेचर। इट इज दिस एस्पिरेशन दैट कल्मिनेटेड इन द 1857 अपराइजिंग। वी अचीव फुल इंडिपेंडेंस आफ्टर 90 years इन 1947. Let us cherish our freedom and rejoice in its glory. Safeguard it for future generation and make this the Bharat of my dreams. Hai ye desh hamara, hame jahan se bhi pyara. Yahan koi nahi dushman hamara. Koi maane ke na maane, sabse hai bhaichara. Suku se jiyo aur jine do, ye hai nara hamara. Mera Bharat mahaan. माजा भारत महान, मारो भारत महान, इनक्रेडिबल इंडिया, जय हिंद। कौन है, क्यों है, किस लिए है ये गुनहगार और क्यों करवाते हैं ये गुना? आज भी जी रहे हैं वो जयसिंह और जिलानी जैसे लोग, जो मासूमों का फायदा उठाकर उनकी जिंदगी का अंत करते हैं। बनना होगा हमें भी एक और मानव, जो ना बिकता है ना झुकता है बल्कि झुकाता है और भारत को महान बनाने के लिए आवाज देता है। हिंदुस्तान हमारा, मेरा भारत महान। जय हिंद।